एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? और अभी ये शाम का टाइम हो रहा है, 4 बज रहे हैं, तो ये ईद से एक दिन पहले की वीडियो है। मैं पॉपकॉर्न बना रही थी और चाय बना रही थी। मेरे वीडियो नहीं आए हैं दो दिन से नहीं आए लगभग, क्योंकि एक गड़बड़ हो चुकी है जिसकी वजह से वीडियो नहीं आए हैं। मेरे बेटे ने बहुत बड़ी मतलब परेशानी कर दिए मेरे लिए, बहुत दुख हो रहा है मुझे। ईद का जो मेरे ब्लॉग बने हुए थे ईद वाले दिन के, तो मेरे बेटे ने वो कर दिए हैं डिलीट, छोटे वाले बेटे ने, गेम के चक्कर में। तो गाइस, जो मतलब तीसरा दिन है ईद का, उसका ब्लॉग मैं डाल रही हूँ। ये भाई सब के और जो हम आपके घर का ब्लॉग है, ये तो बस वही डाल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। बहुत अच्छे से मैंने शूट किया था, रात को मैं क्या तैयारी करके रखती हूँ, और जो मतलब सुबह का था सॉरी वो ब्लॉग भी बहुत अच्छा था। तो बस गाइस, इसको गेम अपलोड करना था और मेरे फ़ोन में स्पेस कम था, तो इसने क्या सोचा, चलो मम्मी की गैलरी में से ना वीडियो उड़ा देते हैं। और इसने 3-4 मेरी जो वीडियो थी बनी हुई अच्छी थी, काफ़ी मुझे दुख हो रहा है, मैंने इतनी मेहनत से बनाई थी और इसने वो डिलीट कर दी, तो इसने ब्लॉग नहीं आ रहा था। और ये देखें, मैंने इसमें ना पॉपकॉर्न बनाने के लिए इसमें ऑयल डाला था, हल्दी और नमक, तो बस ये चीज़ें डाल कर और इसे मैंने ढककर अच्छे से 2-3 मिनट इसे मैंने चलाया होगा, और उसके बाद ये मैंने ढककर रख दिया। इसे आप कढ़ाई में भगोने में किसी चीज़ नहीं बना सकते। और दूसरी साइड में बना रही हूँ चाय, तो चलिए आ जाइए और आप भी चाय का मज़ा लीजिए। वो शाम की चाय का तो अपना ही मज़ा होता है। और ये देखें, पॉपकॉर्न भी बन रहे हैं, बड़ी प्यारी सी आवाज़ आ रही है इनकी, चटर पटर। और इधर मैं चाय चख रही हूँ, तो बस यही मैं कह रही थी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दुख है जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई। पर मैंने सोचा चलो ये वाली वीडियो डाल देते हैं, कुछ तो डाले, इसलिए मेरी 2 दिन से वीडियो नहीं आई थी। तो गाइस, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग डालने की कोशिश कर रही हूँ, तो बस आप लोग सपोर्ट करिए और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वॉच करिए। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिएगा। और मैं मतलब जब भी डालती हूँ एक रेसिपी ज़रूर शेयर करती हूँ आप लोगों से, तो आपको मैं दिखाऊँगी कितना मज़ा आता है हम सब इकट्ठे होते हैं। माशाल्लाह मेरी काफ़ी बड़ी फैमिली है ससुराल की। अम्मी की तरफ तो मैं नहीं जाती हूँ त्यौहार के टाइम पर, क्योंकि माशाल्लाह हमारे जो मतलब ससुराल है तो वो काफ़ी बड़ी है, और लगभग हम एक दिन सब एक दूसरे के जाते हैं। और जो मतलब मेरे घर का ब्लॉग है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी, 2 दिन का ब्लॉग मेरा सॉरी वीडियो डिलीट हो चुकी है, इसलिए मैंने आपसे नहीं शेयर किया। तो हम कम से कम मैं 4 से 5 दिन बाद मम्मी के घर जाती हूँ, जब मैं अपने ससुराल से फारिग हो जाती हूँ तभी मैं मम्मी के घर जाती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना कि ससुराल का मतलब सभी इकट्ठा होते हैं, सारी बहुएं एक साथ होती हैं, नंदे वगैरह होती हैं, तो मैं अपनी मम्मी के चले जाऊँ ऐसा अच्छा नहीं लगता मुझे बिल्कुल भी। तो मैं सबसे फारिग होकर यहाँ से जब मैं मम्मी के घर जाती हूँ। तो चलिए, ये देखें पॉपकॉर्न हमारे अच्छे से बन चुके हैं। अब इसको हल्दी का कलर चढ़ा नहीं है, तब मैं इसे पलट लूँगी किसी चीज़ में, तो माशाल्लाह उसके बाद देखना कितना प्यारा इसका येलो कलर आ जाएगा। आप चाहें तो इसमें ऊपर से बटर भी डाल सकते हैं, पर मैंने बटर नहीं डाला था। तो बस ये देखें, हमारी चाय नाश्ता हो चुका है शाम का तैयार। और जी चलिए, अब हम कर लेते हैं अपना, यानी हम पी लेते हैं अपनी चाय और खाते हैं गर्मा गर्म पॉपकॉर्न। और ये थोड़ी सी ना बीच की लग भी गई थी, देखो काली काली सी दिख रही होगी, नहीं तो 6-7 कप पॉपकॉर्न जल गई थी, तो मैंने निकाल कर फेंक दी। और ये देखो मेरे क्यूटी से हनी बनी, इनके इतने शौक से खाते हैं पॉप, ये हर चीज़ ही माशाल्लाह हर चीज़ खाते हैं पॉपकॉर्न, बहुत पसंद आ रही थी। वैसे तो ये हर चीज़ ही खाते हैं, रोटी चावल हरा धनिया घास वगैरह सभी चीज़ खा लेते हैं। तो ये देखें कितने मज़े से खा रहे हैं, ये कटर 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 आवाज़ आ रही है इनकी। तो आ जाइए भाई, आप लोग भी खा लीजिए, बहुत ही यम्मी बनी है। तो चलिए एंजॉय करिए, फिर मैं मिलूँगी आपको अपने जेठ के घर ही, वहाँ से मैं आपको वीडियो दिखाऊँगी।
तो ये देखें, ये मैं आ चुकी थी अपने जेठ के घर, और ये जो नीचे भीड़ लगी हुई है ये मेरी सास का घर है, यानी मेरी ससुराल है जहाँ मैं शादी होकर आई थी। तो गाइज़ यहाँ पर ये गोश्त बांट रही हैं, मेरी सास हैं, देवर हैं नीचे और सब हैं, तो ये सब लेने वाले जो हैं वो खड़े हुए हैं। तो ये देखें कितनी सारी भीड़ लगी हुई है, ये सब गोश्त ले रहे हैं यहाँ पर। और पता नहीं इन लोगों का पेट नहीं भरता, इतनी जगह से गोश्त लेते हैं। तो ये देखें, और पता है दो लोग ही ऊपर चढ़ा है, फिर हमने मतलब डांट कर भेजा, भाई सब आ गए ऊपर, मेरे जेठ के लड़का आ गए, तुम ऊपर कैसे चढ़ाए, जबकि नीचे बैठ रहा था गोश्त, तो ऊपर आने का क्या मतलब है। तो ये इधर वाले घर में आ गए थे तो इन्हें हटाया, बड़ी मुश्किल से इन्हें भगाना पड़ता है। और ये देखो जी, ये लड़कियाँ ऊपर से आई, मौसम इतना अच्छा हो रखा था, बादल हो रहे थे शाम के टाइम। और इधर देखिए जी, हम खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, लगभग हमने सारी तैयारी कर ली थी, पर मतलब ज़्यादा खाना बना था ना, तो हमें बड़ा वाला ये चूल्हा लगाना था, छोटा जो सारा काम था वो हमने गैस पर कर लिया था। अब भाई चावल बनेंगे और हलीम बनाया है तो इस पे ही बनाऊंगी मैं। तो चलिए अब ये हम लगाएंगे चूल्हा, और आपको मैं दिखा देती हूँ कौन कौन है, मतलब मेरे यहाँ ससुराल में सबको दिखाती हूँ। तो ये मेरी नंद बैठी हैं पीछे सबसे, ये नंद की बेटियाँ हैं, दूसरी वाली जो बड़ी वाली नंद है ये वो बैठी हुई, उनके बच्चे हैं, सब बैठे हुए हैं यहाँ पर। और ये देवरानी है मुझसे छोटी, जो ये सामने बैठी हुई है ग्रीन ग्रीन से कपड़ों में, ये तो मुझसे छोटी देवरानी है। और जो ये हंस रही है ये सबसे छोटी वाली देवरानी है। और ये नंद की लड़कियाँ हैं जेठ की, तो ये मेरी जिठानी है मुझसे बड़ी, और ये मैं हूँ जो मैं बना रही हूँ हलीम। तो हलीम हमारा तो रेडी था, बस हम इसे गर्म करना, यानी खदबदी लेनी थी हमें, इसमें सब चीज़ डाल दी हमने, तो बस इसे थोड़ी देर हमें इसे पकाना है, और बाकी तो हमने सारा काम करके रख लिया, और बिरयानी बनानी है गर्म। तो बस देखते रहिए, और आप बताइएगा मेरे ससुराल वालों से भी मैंने आप लोगों को मिला दिया, और अभी जो रह गए उनसे भी अभी थोड़ी देर में मिलाऊँगी। तो मैं बना रही हूँ ये खाना, क्योंकि भाई देखो बहुत सारा खाना बनता है तो सबको ही लगना पड़ता है, और अच्छा भी लगता है एक दूसरे के, और हम माशाल्लाह से हम सब दिव्यांग जेठानी एक दूसरे के लग जाते हैं, इससे काम भी हल्का हो जाता है, माशाल्लाह बड़ी फैमिली है, एक एक काम करते हैं तो सब निबट ही जाता है अच्छे से। तो ये देखें, और दोबारा से देख लीजिए आप, ये नंद है पीछे, और ये मेरे देवर के जो अभी बेटा हुआ था, तो ये है सबसे छोटा वाला, इसका नाम है मोहम्मद साद। तो इसकी जो अभी छठी की मैंने वीडियो डाली थी, ये मेरे बेटे हैं जो डांस कर रहे हैं देखो, और ये मेरी जेठानी है, उनकी मतलब भाभी हैं, भतीजी बैठी हुई हैं वो हैं ये, और ये देखो इन्हें बड़ा मज़ा आता है, ये मस्ती कर रहे हैं। और ये देखें जी, ये हलीम चलाना पड़ता है इसको बार बार, नहीं तो ये लग जाता है नीचे। तो मैं बस चला कर देख रही हूँ कि लग तो नहीं रहा है ये। और ये मेरी नंद खड़ी है जिनकी बेटियाँ बैठी थी अंदर, तो ये वो हैं। और ये मेरी जिठानी है, ये किचन में प्याज वगैरह काट रही थी, ये मुझसे बड़ी वाली हैं, और मुझसे दो छोटी हैं, मतलब दो देवरानियाँ हैं मुझसे छोटी, और दो मुझसे बड़ी जेठानियाँ हैं, मतलब हम पांच देवर जेठ हैं, माशाल्लाह से भरी पूरी फैमिली है मेरी। और ये देखो, ये मेरा बेटा मस्ती कर रहा है, और सब लड़कियाँ ये ऊपर से आई हैं अभी, तो ये चाय पी रही हैं, हमने तो सबने चाय पी ली थी। और ये मेरी जेठ की दुल्हन है, देवरानी है मेरी मुझसे छोटी, ये नंद की लड़की है जो वीडियो बना रही हैं। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मेरी फैमिली से मिलकर, और ये सब चाय पी रही हैं। तो ये छत पे चले गए थे, मौसम बहुत अच्छा हो रखा था। तो देखें हलीम बिल्कुल रेडी हो चुका है, बस मुझे इसे अब भगार लगाना है, यानी तड़का लगाना है, और उसके बाद बिरयानी बनानी है। तो माशाल्लाह से ये देखें, और ये बिल्कुल हो चुकी है प्याज, और ये तरी का तड़का लगता है इसके ऊपर। तो ये देखें, माशाल्लाह से बहुत सारी तरी डाली थी मैंने, और बहुत ही प्यारा सा कलर आया था। ये देखें जी, हमारा हलीम हो चुका है रेडी, अब हम इसके बाद बनानी है बिरयानी। और अब हम डाल देते हैं इसमें हरा धनिया, बाकी तो सब चीज़ डाल दी थी, गरम मसाला भी डाल दिया था, तो सब लास्ट में जाएगा ये हमारा हरा धनिया। चलिए, तो हलीम हो चुका है बिल्कुल रेडी, अब फटाक से बना लेते हैं बिरयानी। लगभग 8:30 बज चुके हैं, बस बिरयानी है मुझे बनानी है। और ये देखें, ये मेरी देवर की लड़की है, तो ये मेहंदी लगवा रही थी, सबके मेहंदी लगी हुई थी ना, कह रही है मेरी भी लगा दो, तो मेरी नंद की लड़की इसके मेहंदी लगा रही है, कितनी क्यूट से देखो, प्यारे प्यारे से हाथ लग रहे हैं। तो ये देखें, ये बिरयानी छोक रही हूँ मैं। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरी वीडियो, इसलिए बस यही अफसोस रहेगा कि 2 दिन की वीडियो आपसे नहीं मैं शेयर कर पाई, बस बच्चे हैं ना, ये मेरा बेटा गेम के चक्कर में डिलीट कर देता है वीडियो। मैंने बहुत समझाया, मैंने कहा बेटे बिना मम्मी से पूछकर मतलब मत किया करो डिलीट, पहले मुझसे पूछ लिया करो, जो काम की वीडियो नहीं होती मैं वो डिलीट कर देती। तो ये मसाला बस मैंने इसमें डाल दिया है, अब जो गोश्त है वो डाल दूँगी इसमें,
और उसने बच्चे ने पता नहीं क्या समझ के उसे डिलीट कर दिया और मेरी वीडियो रह गई। चलिए कोई नहीं, आप ये वाली वीडियो देखिए, इंजॉय करिए और मुझे कमेंट्स ज़रूर करिएगा गाइस। किसी किसी मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़ने से। और आप लाइक करते हो तो देखो हम उससे कुछ मिलता नहीं है, पर हमें ना ये अच्छा लगता है, मतलब मेरी लाइक मिलते तो कि जैसे कि हमारा काम को पसंद किया गया तो अच्छा लगता है। अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे खुशी होती है आपका कमेंट्स पढ़ने से बहुत ज़्यादा। जब आप मुझे कमेंट्स करते हैं प्यारे प्यारे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो बस ये देखें जी, अब हम डाल रहे हैं इसमें यखनी जो करके रखी थी, ये मैं प्याज निकाल रही हूँ जिसमें हम प्याज डालते हैं, वो इसमें निकालना भूल गए थे हम। तो बस भाभी बेचारी जल्दी जल्दी सारा ऊपर का काम समेट रही है। मैंने कहा तुम टेंशन मत लो, खाना मैं बना लूँगी। ऊपर का काम भी बहुत सारा होता है और लड़कियों को हम नहीं लगाते हैं, इंजॉय करने देते हैं। तो ये देखें बस मैं चावल चेक कर रही थी कितना दम है, अभी तो पानी है। खैर जब पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसे दम पर लगा देंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुके हैं चावल। तो इसमें मैंने बिरयानी का यानी फूड कलर जो होता है वो डाल दिया था और केवड़ा डाल दिया था, और अब इसमें डाल देंगे हम सबसे लास्ट में लगाएंगे तड़का। दम पर छोड़े थे लगभग 10 से 15 मिनट पर मैंने। अब ये देखें बिल्कुल रेडी हो चुकी है बिरयानी, तो आ जाइए अभी खा लीजिए। हलीम और बिरयानी बिल्कुल रेडी है, माशाल्लाह से बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है तड़के की। घी तो मैंने सही डाला था पर मुझे ना थोड़ी सी प्याज का तड़का लगाना बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये देखें जी हमारा ये खाना हो चुका है बिल्कुल रेडी। तो चलिए अब हम ये चूल्हा हटा के रख देते हैं क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं ना, तो सबसे पहले सिलेंडर हटाना है मुझे इसका यहाँ से, और ये चूल्हा हटा कर रखना है थोड़ी सी साइड में को, और सिलेंडर हम अंदर रख देंगे क्योंकि छोटे वाले गैस पर काम होता रहता है। बच्चे हैं घर में, दूध वूध गर्म होता है छोटे, तो सबसे पहले ये गैस सिलेंडर हटा दूँगी मैं और ये चूल्हा कर दूंगी साइड को। बस अब सब लोग खाएंगे खाना, आदमी लोग आ चुके हैं भाई। देखो औरतें बेचारी कितनी पहले भी आ जाएं पर आदमियों को भी पहले मिलता है। तो ये देखें ये खाना खाने के लिए सब आ चुके हैं। ये मेरे हस्बैंड हैं ग्रीन से कुर्ते में, ये मेरे देवर बैठे हैं सामने चश्मा जो लगा रहे हैं, ये मेरा बेटा है उनकी बराबर में, और ये नंद के लड़के हैं, नंदोई हैं, सब ये सब बैठे हैं। औरतें बेचारी वेट करेंगी अभी, औरतों को हमेशा बाद में मिलता है कितना भी वो पहले चले जाएँ। तो बस इधर को मेरी नंद वगैरह बैठी हैं जो मतलब लेडीज़ हैं वो भी थोड़ी सी, क्योंकि घर के ही तो थे हम, कोई घर नहीं थे। तो बस बड़ी नंद बैठी हैं और शायद छोटी वाली हैं, और एक उस पर भगोने पे मैं निकाल रही हूँ। बस हम दोनों खाना निकाल रहे हैं। चलिए फिर अगली वीडियो में मुलाकात करूँगी। अल्लाह हाफिज़।